नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा के.आसिफ का है। के.आसिफ जिन्होंने मुगल-ए-आजम बनाई और मुगल-ए-आजम के लिए के.आसिफ ने सेना के घोड़े स्टूडियो बुलवा लिए थे सेट पर। ये किस्सा एक कहावत से शुरू होता है और कहावत है कि चंबल को पीवे पानी सो जग बानी जानी, यानी कि चंबल का पानी पीने वाले को जमाना बागियों के तौर पर जानता है। जिद्दी स्वभाव से विद्रोही, कभी झुकना न जानने वाले लोग। वैसे कोई बात अच्छी हो तो उसे किसी इलाके के लिए ही सीमित नहीं कर देना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा ऐसे ही दो विद्रोहियों के नाम पर अपना सीना गर्व से फुला लेता है। एक रहे हैं गीतों को सुकुमार कवि गोपालदास नीरज और दूसरे भारतीय सिनेमा को उसका सबसे मशहूर क्लासिक देने वाले के.आसिफ। के.आसिफ यानी कमरुद्दीन आसिफ। इटावा में जहां आज खटखटा बाबा का घाट और उनकी स्मृति में बना तालाब है, वहीं से थोड़ी दूर पर साज बाज बनाने वालों की बस्ती है, जहां आज भी कहीं ढोलक पर चमड़ा मढ़ा जा रहा होता है तो कहीं मुई खाल पर मसाला रगड़कर तबले की धां धां धीधी हो रही होती है। गुलामी वाले दौर में यहीं से एक लड़का निकलकर बंबई गया। गया क्या, यूं समझिए कि जबरन ले जाया गया। चाचा फिल्मों में अभिनेता थे, सोचे लड़का भी कुछ कर लेगा, लेकिन लड़का जिद्दी था। मन नहीं था तो नहीं किया। चाचा ने दर्जी की दुकान खुलवा दी, उससे सिलाई तिरपाई ये सब भी नहीं हुआ। फिर खुद से ही सिनेमा समझने का चस्का लगा, कैमरे के पीछे देखना अच्छा लगा और ये काम इतना भाग गया कि उसने सोच लिया कि औरों की निगाह में बस अच्छा ही अच्छा देखे। और फिर निकल पड़ा ऐसा संग तराशने जिसकी सफेदी से फिल्मी दुनिया आज तक दूधिया है। के.आसिफ को याद करने की आज कई वजह है। एक तो बहुत दिनों से उनका कोई पॉडकास्ट मैंने आप लोगों के साथ साझा नहीं किया था, लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है वो है उनके जिद की। हालांकि मुगल-ए-आजम की बनावट के कसीदे गढ़ने वाले तारीफों की शुरुआत आसिफ की जिद से पहले करते हैं। तो बात यूं है कि मुगल-ए-आजम बन रही थी और बनते बनते बंद हो गई। फाइनेंसर शाहपुर जी पलौंजी मिस्त्री के होश उड़ गए। एक दिन पहुंचे के.आसिफ के पास तो पता चला कि वो तो दिल्ली निकल गए। सबको लगा कि फिल्म बनेगी ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद के.आसिफ लौटे और उनके हाथ में एक कागज था। कागज पर थी सरकारी मुहर और इस मुहर और कागज पर लिखे शब्दों का मजमून ये था कि के.आसिफ को फिल्म मुगल-ए-आजम बनाने के लिए सेना के इस्तेमाल वाले घोड़े, ऊंट और जरूरी सैनिक दिए जाते हैं। इस मुहर का एहसान फिल्म के प्रदर्शन से ठीक पहले पर्दे पर रक्षा मंत्रालय का आभार जताकर किया जाएगा। दरअसल आसिफ को फिल्म के पहले ही सीन में शहंशाह अकबर के पीछे चलने वाले सैनिक और हाथी घोड़े बड़े नकली लग रहे थे। फिर आगे तो यलगार हो और वाला मशहूर सीन फिल्माना ही था। आसिफ को अपनी शाहकारी में नुक्ता जरा भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने जो कह दिया उसे कोई टाल जाए ये मजाल नहीं। पृथ्वीराज कपूर से जुड़ी एक कहानी बड़ी मशहूर है कि फिल्म बन गई तो टाइटल में नाम लिखे जा रहे थे। अब बड़े कपूर साहब का नाम पहले देखकर दिलीप कुमार और मधुबाला बेफर गए। फिल्म के लीड हम हैं, हमारा नाम पहले हो। कपूर साहब ने तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, उन्हीं दोनों का नाम पहले दे दो। और अभी तक इस मुद्दे पर कान दे रहे के.आसिफ ने पहली बार अपना मुँह खोला। और खोला क्या साहब, ये बोला कि ये भूल रहे हैं कि फिल्म का नाम मुगल-ए-आजम है, सलीम अनारकली नहीं। हमारे हीरो पृथ्वीराज साहब आप हैं और आप ही रहेंगे। पता नहीं ऐसी रवायत थी या कुछ और कि फिल्म में सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर का नाम आता है, फिर मधुबाला, इसके बाद दुर्गा खोटे और बाकी कलाकारों के समूहों के नाम और सबसे आखिर में दिलीप कुमार का नाम। लेकिन ये किस्सा जब पृथ्वी साहब के लिए आता है तो उनकी दरिया दिली सुनाता है, और जब के.आसिफ से जुड़ता है तो एक जिद बन जाता है। जिद्दी स्वभाव, वही जिद्दी स्वभाव जिसने
दिलीप कुमार का नाम सबसे पीछे और के आसिफ का सबसे आगे कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।